हेलो क्लास 11, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव विद यशपाल सिंह में। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 6 को उच्चारण करके। तो आप सब भी मेरे साथ कर सकते हैं। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वह स्थान जिसको ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है कर सकता है, ना ही पावक, पावक यानी अग्नि, ना ही अग्नि उसको प्रकाशित कर सकता है। ऐसे स्थान जहाँ पर कोई मनुष्य यदि एक बार चला जाता है तो वापस कभी भी मनुष्य योनि में लौट कर नहीं आता है, तो ऐसा स्थान मेरा क्या है, परम धाम है। तो ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको, चंद्रमा, शशांक किसके लिए यूज हुआ है, चंद्रमा के लिए, ना शशांको न पावक यद गतवा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, यानी ऐसा स्थान मेरा परम धाम है और वहाँ पर मैं निवास करता हूँ, जहाँ पर ना तो कोई आदमी एक बार चला जाए तो वापस कभी लौट कर नहीं आता, यानी उसको जीवन जीवन में ये जो जीवन मरण का ये जो चक्कर चल रहा है इससे उसको पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है, ऐसे धाम में जब वो पहुँच जाता है। हालांकि विद्यार्थियों को ये क्यों सुनाना आवश्यक हो रहा है, क्योंकि विद्यार्थी जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो यदि इन संस्कृत श्लोकों के साथ में उच्चारण के साथ यदि अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें तो उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत अधिक हो सकता है। तो भगवान की नित्य स्तुति करें, एक श्लोक रोज उच्चारण करें और फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, तो देखेंगे कि आपके अंदर जो धारण करने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर सेवन डिफरेंशिएशन आज हम पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो लास्ट लेक्चर में कुछ बच्चों को नहीं समझ में आई, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो लोग कैसे लिखते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत आई इसको लिखने में, क्योंकि जब उन्होंने होमवर्क मुझे भेजा तो मैंने देखा उनका, तो लोग को कैसे लिखना है वापस देखिए आप। जैसे लोग किसी भी संख्या का आप निकाल रहे हैं, जैसे कोई एक्स यहाँ पर संख्या है जिसका आप लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो बेस आएगा इसका, जैसे बेस ई लिख रहे हैं आप, तो बेस नीचे आएगा, सबस्क्रिप्ट में आएगा बेस, जबकि एक्स आपको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। लेकिन बच्चे कैसे लिख रहे हैं इसको, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, ई यहाँ लिख के एक्स को उसकी पावर के रूप में लिख रहे हैं, ये रॉन्ग है, ये सही है। इसी तरीके से बेस 10 में लिखना है तो आप जैसे लॉग 1 या लॉग 2 लिख रहे हैं, तो लॉग 2 लिख रहे हैं तो 2 तो इसकी सीध में ही आएगा और 10 जो है बेस वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसको बच्चे इस तरीके से लिख रहे हैं लॉग 10 स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। तो आपको बेस कहाँ लिखना है और जिस संख्या का आप लोग निकाल रहे हैं उसको लोग के साथ में लिखना है, इस तरीके से इसको सीखना है। एक करेक्शन हमको और करना भी था, लोग 0 10 बेस में मैंने जो वैल्यू लिखाई थी तो मैंने यहाँ इन्फाइनाइट लिख दिया था, जबकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस इन्फाइनाइट होती है। यहाँ पर बेस आप ई लगा दें तब भी इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, ये लोग ई बेस 0 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इन्फाइनाइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यदि आप इसको 0 करके ई को उधर ले जाएं तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। फिर आप सोचेंगे कि लोग ऐसा यहाँ क्या लिखूं कि उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी के बराबर आ जाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि आप बेस ई लगा रहे हैं और यहाँ पर इन्फाइनाइट ही लिख देते हैं तो लोग इन्फाइनाइट बेस ई की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है। इसको यदि अपन वापस बदलें तो यहाँ पर क्या बचेगा, इन्फाइनाइट, और ये ई उधर जाके पावर बना लेगा। तो आप दो चीज़ यहाँ से याद करें कि ई की पावर इन्फिनिटी भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ई की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और जैसे आप लॉग की फॉर्म में लाएंगे तो लॉग 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू तो इन्फिनिटी ही होती है। तो ये चीज़ आपको लॉग के उसमें याद रखनी है। अब आगे चलते हैं अपन, डिफरेंशिएशन आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर, और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। हिंदी में इसको अवकलन कहते हैं, ये 12वीं क्लास में आता है गणित के विद्यार्थियों के, जबकि फिजिक्स में ये 11वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है। इसका जो बेसिक यूज है वो हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो देखो अवकलन क्या चीज़ है, आप लोगों ने गिरगिट देखा होगा, गिरगिट सिचुएशन के हिसाब से रंग बदलता है। गिरगिट की एक खासियत होती है कि वो जैसी परिस्थिति आती है
उसके हिसाब से वो अपना रंग बदल लेता है, यानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अपना रंग बदलता है। अब इस चीज़ को हम कंपेयर करते हैं किसी गणितीय दो वेरिएबल के लिए। वेरिएबल क्या होते हैं आप जानते हैं, जैसे वेरिएबल जिनको हम हिंदी में चर भी कहते हैं, और वेरिएबल आपके जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ये सब हम वेरिएबल के रूप में काम में लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल काम लिए, एक तो एक्स और एक वाई। मैं कह रहा हूँ कि एक्स वेरिएबल की वैल्यू बदलती है किसके साथ, किसके, या ऐसा मैं कह दूँ कि वाई वेरिएबल है मेरा, वाई वेरिएबल की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में बदल रही है, एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बदल रही है। तो वाई वेरिएबल की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में बदल रही है, एक्स, यानी जैसे जैसे हम एक्स में चेंज करवाते हैं वैसे वैसे किसकी वैल्यू बदलती है, वाई की। जिस प्रकार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में गिरगिट अपना रंग बदल सकता है, उसी प्रकार एक्स के भिन्न भिन्न मानों के लिए वाई भी अपने भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित कर सकता है। यानी वाई के मान में, वाई वेरिएबल के मान या वैल्यूज में एक्स वेरिएबल की वैल्यूज के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा हो, तो हम कहेंगे कि वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में जो भी चेंज आ रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका अवकलन कहलाएगा या फिर उसका डिफरेंशिएशन कहलाएगा। जिस प्रकार एक गिरगिट विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रंग दर्शाता है, उसी प्रकार एक वाई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अलग अलग वैल्यू शोज करेगा, तो ये जो वैल्यूज आएंगी ये क्या कहलाएंगी, यहाँ पर डिफरेंशिएशन। इसको अब थोड़ा आगे स्टैंडर्ड लेवल में आगे लेके चलते हैं। ये तो एक जनरल तरीका था जिससे हम इस डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेट करके चलता हूँ। लेट वाई एक ऐसा फंक्शन है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यदि मैं वाई की यहाँ पर एक्स के रूप में एक फंक्शन लिखूँ, क्योंकि एफ एक्स आपके लिए एक नई चीज़ है, आपने आज तक एफ एक्स ऐसा कभी देखा नहीं होगा, तो फंक्शन क्या होता है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एफ एक्स बराबर ये लिख दिया कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ये मैंने कोई इक्वेशन लिख दी यहाँ पर एफ एक्स बराबर, यानी f क्या है, एक फंक्शन है। f यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को, किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। तो ये इस तरीके से कुछ इक्वेशन है जिसको हम एफ एक्स कह रहे हैं या फंक्शन ऑफ x कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, x का फंक्शन, क्या कह रहे हैं, x का फलन। हिंदी में फंक्शन को क्या बोलते हैं, फलन। तो x का फलन है, और ये किसके बराबर है, y के। इसका मतलब y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। और यहाँ पे बेसिकली y वैल्यू किस पर, वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इस एक्स की वैल्यू। कैसे, जैसे मैं एक्स बराबर यहाँ पर जीरो कर दूँ तो फिर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक्स का स्क्वायर जीरो, जीरो रखते जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस टू इंटू जीरो, जीरो प्लस टू, यानी वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। यानी आपने एक्स में एक्स इक्वल टू जीरो रखा तो वाई की वैल्यू टू आई। इस प्रकार यदि आप एक्स बराबर यहाँ वन रख दें तो वाई की आपको एक डिफरेंट वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्स एक्स बराबर यदि वन रखेंगे तो ये वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस टू, यानी वन प्लस टू प्लस टू, यानी फाइव आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे हमें डिफरेंट डिफरेंट वाई की वैल्यू प्राप्त हो रही है। यानी हम ऐसा कह दें कि यदि हम एक्स में परिवर्तन करेंगे, एक्स में हल्का सा भी परिवर्तन करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में वाई में भी परिवर्तन आना चाहिए। तो बस यहीं से स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन कि क्या होगा। ये सब तो ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, अभी तो जो भी लिखा है मैंने वो आपको नोट डाउन नहीं करना है। अब आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है, स्टार्ट होना है कि लेट वाई बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है। इफ वी इंक्रीज द स्मॉल अमाउंट डेल्टा एक्स इन द वैल्यू ऑफ x, then यदि हम इस x की वैल्यू में कितना चेंज करा रहे हैं, एक स्मॉल अमाउंट, बहुत ही छोटा सा चेंज करवा रहे हैं, कितना, डेल्टा x, यानी x को बढ़ा के कितना लिखना चाह रहे हैं अब, x प्लस डेल्टा x। जैसे x बराबर यदि 100 पैसे हैं तो मैं उसमें 2 पैसा ऐड करना चाह रहा हूं, तो 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 102 पैसा। इसी प्रकार x यहां पर एक संख्या है या वेरिएबल है, तो इसमें मैं हल्का सा चेंज कराना चाह रहा हूँ डेल्टा एक्स। जैसे ही चेंज कराऊंगा ये क्या बन जाएगा, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो जैसे ही ये वैल्यू बदलेगी वाई की वैल्यू भी बदलनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज द स्मॉल अमाउंट डेल्टा एक्स इन द वैल्यू ऑफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीजेस बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा वाई यानी आप x में यदि हल्का सा चेंज करा रहे हैं तो
तो आपके वाई की वैल्यू भी हल्की सी बदलेगी। तो मैं कह दूं कि वाई कितना बदल गया, डेल्टा वाई बदल गया, इंक्रीज ही होगा। देखो आपने एक्स इंक्रीज किया तो वाई भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो एफ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी वाई में यदि हल्का सा एक्स में यदि हल्का सा चेंज डेल्टा एक्स कराया तो वाई में भी हल्का सा चेंज आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। इसको दे दिया हमने इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू में से आप इक्वेशन माइनस इक्वेशन वन को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो माइनस जैसे ही करेंगे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वेशन टू में, और वन में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाई बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस एफ एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से वाई क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में कितना बच गया, डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री। अब मैं क्या करूं, इस इक्वेशन थ्री के दोनों साइड में डिवाइड करूं, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इन बोथ साइड, यानी दोनों ही साइड में आप क्या कर दो, डेल्टा एक्स से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। तो हमारे पास यहां पे ये आ जाएगा कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन जो थर्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगी डेल्टा एक्स की फॉर्म में। आप इस डेल्टा एक्स से इस डेल्टा एक्स को ना काट दें, ये फंक्शन के अंदर वैल्यू है, ये सिंपल अलग से है, तो आप इस तरीके से इसको कट ना करें। तो आपके सामने एक इक्वेशन आ गई। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इक्वेशन नंबर फोर, इसमें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है रिप्रेजेंट यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी ये भाई यहाँ पर बता रहा है कि वाई जो वेरिएबल है उसके अंदर कितना चेंज आया है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। यानी वाई वेरिएबल के अंदर कितना चेंज आया एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो ये यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यहाँ पर एक एवरेज रेट ऑफ चेंज को बता रहा है। किसको बता रहा है ये, एवरेज रेट ऑफ चेंज, वो भी किस में, वाई में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब यदि यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स है इसको हम इतना स्मॉल कर दें, इसको क्या कर दें हम, बहुत स्मॉल। वैसे भी हमने डेल्टा एक्स यहाँ पर बहुत छोटा सा लिया था, और डेल्टा एक्स को यदि हम बहुत ज़्यादा स्मॉल बना दें, और यहाँ पर एक एरो लगा के मैं यहाँ पर लिख दूँ जीरो, और यहाँ लिख दूँ कि इफ डेल्टा एक्स, अब ये जो एरो है इस चीज़ को एक नाम से पुकारते हैं आप लोग, देखिए इसको क्या बोलते हैं, टेंस टू। आप बोलेंगे डेल्टा, इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, क्या बोलेंगे, इफ डेल्टा एक्स तीर का निशान लगा के जीरो लिखेंगे, तीर का निशान का मतलब क्या है, टेंस टू। इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो के बराबर नहीं है। देखो टेंस टू जीरो का मतलब ये हो गया, टेंस टू का हिंदी में मतलब होता है अग्रसर, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू किधर अग्रसर है, जीरो की तरफ है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो के लगभग है, जीरो नहीं है, जीरो के बहुत ही आसपास है लेकिन जीरो कतई भी नहीं है। तो आप इसको डेल्टा एक्स को टेंस टू जीरो का अर्थ समझे कि डेल्टा एक्स को यदि हमने इसको बहुत स्मॉल बना दिया, बहुत स्मॉल मतलब कितना, कि लगभग जीरो है, जीरो नहीं है, जीरो के आसपास की कोई वैल्यू है, देन ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है तो इसको हम यदि लिमिटिंग करें तो ये जो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो जैसे आप करेंगे यहाँ पर लिमिट लगेगी। अब ये लिमिट क्या चीज़ है, ये भी मैथमेटिकल ही टर्म है, यानी हमने इस पूरे एवरेज को क्या किया है यहाँ पर एक छोटी सी वैल्यू के लिए लिमिट कर दिया है, इसको लिमिटिंग की है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यहाँ पर कुछ ऐसा होता जैसे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से लिख के समझाता हूँ मैं आपको। एक्स यहाँ पर चेंज इन डिस्टेंस है, नाइन्थ क्लास में आप पढ़ते हैं कि वेलोसिटी या जो स्पीड होती है वो क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कहेंगे तो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम
और हम यदि स्पीड कह रहे हैं तो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एवरेज स्पीड को या फिर एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं कह दूं कि डेल्टा टी यहाँ पर ये डेल्टा एक्स जैसे 100 मीटर वो चला है और 100 मीटर चलने के लिए उसको जो समय लगा है वो 20 सेकेंड है। कितना लगा है? 20 सेकेंड। यानी डेल्टा एक्स जो आपकी डिस्टेंस है वो 100 मीटर है और आपका डेल्टा टी कितना है? 20 सेकेंड्स। अभी डेल्टा टी जो यहाँ पर है वो पूरा 20 सेकेंड का एक टाइम इंटरवल है। यदि मैं कहूँ कि मैं इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल को टेंस टू जीरो करने वाला हूँ या करना चाहता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसकी वैल्यू 20 सेकेंड को कम करके कितना करना चाह रहा हूँ? लगभग जीरो के बराबर। यदि मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैं इस डेल्टा टी टेंस टू जीरो करना चाहूँ इसको, इसका मतलब हो गया ये 20 सेकेंड से कम होके कितना हो जाएगा? लगभग एक सेकेंड या फिर एक से भी कम सेकेंड, लगभग जीरो के बराबर सेकेंड। तो यदि मैं ये टाइम को यदि कम कर देता हूँ तो जैसे ही कम करूँगा ये मेरा ऊपर का जो डेल्टा एक्स है ये भी तो बदल जाएगा। जो 20 सेकेंड में 100 मीटर ट्रेवल कर रहा था तो वो 1 सेकेंड में कितना करेगा? तो देखो आप 20 सेकेंड में यदि 100 मीटर है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? काट दो 1, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर वो ट्रेवल कर रहा है और 1 सेकेंड से भी कम टाइम में कितना करेगा? तो 5 मीटर से भी कम करेगा। यानी हमने इस पूरे एवरेज को क्या करा? कंप्रेस कर दिया, लिमिट कर दिया। तो इसको कहते हैं लिमिटिंग करना, कि आप टाइम को क्या कर दो, बहुत कंप्रेस करके, बहुत लिमिटिंग करके एक पर्टिकुलर सेकंड पे आप लेके आ जाइए। 20 सेकंड का इतना बड़ा टाइम इंटरवल नहीं चाहिए, ओनली क्या चाहिए? एक सेकंड पे कितना चला। तो पर्टिकुलर सेकंड यानी एक इंस्टेंट पे, एक क्षण पे कितना चल रहा है उसके बारे में पता लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा? जो एवरेज वैल्यू है उसको क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर लिमिटिंग करनी पड़ेगी। तो वही लिमिटिंग मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, किसकी? इस इक्वेशन 4 की। हालांकि यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे दो वेरिएबल अलग अलग है, लेकिन हम फिजिक्स में जब पढ़ेंगे इसको तो ये हमारे नहीं आके इसी फॉर्म में आएगा कि हमारे को डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो एवरेज स्पीड होगी उसको लिमिटिंग करना होगा किसमें? एक इंस्टेंट के लिए, कि एक इंस्टेंट पे कितनी स्पीड थी। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल और मैं दे सकता हूँ, जैसे आप कोई मोटर बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, आप हमेशा उसको एक ही स्पीड पर नहीं चलाते हैं। जैसे रास्ते में कोई आ गया, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई दुविधा या कोई सामने आ गया आपके, तो आप क्या करते हैं? तुरंत ही एक्सेलरेटर को डाउन कर देते हैं और ब्रेक लगाते हैं, तो आपकी स्पीड क्या होती है? ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। फिर जैसे रोड खाली है तो आप स्पीड बढ़ाते हैं। तो मैं कहूँ कि 20 सेकेंड में आपने कितनी बार कम किया और कितनी बार रेस बढ़ाई और आपकी एवरेज स्पीड कितनी है, तब तो आप बोलेंगे कि भाई मैंने कितनी डिस्टेंस चला और कितना टाइम लगा, उसका रेशियो निकालूँ तो मेरे को स्पीड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मुझे? स्पीड मिल जाएगी। बट मैं कहूँ कि एक सेकंड पे कितने स्पीड थी, किसी पर्टिकुलर एक सेकंड पे आपकी कितनी स्पीड थी, तो उसको कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो 20 सेकंड का टाइम इंटरवल है या जो भी आपका टाइम इंटरवल है उसको रिड्यूस करके आपको कितना करना पड़ेगा? इसको टेंस टू जीरो करना पड़ेगा। और ये जो तरीका होता है इसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग करना या लिमिट लगाना, इसको हम बोलते हैं लिमिट लगाना। आगे मैथमेटिक वाले और अच्छे से समझेंगे इन चीज़ों को, बट बायो में हमारे को इसका क्या यूज करना है कि जो भी एवरेज चीज़ है उसको यदि आप लिमिट कर देते हैं तो इसका मतलब वो है कि वो एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा, वो एक पर्टिकुलर मतलब एक इंस्टेंट के लिए उसकी वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी आपको नहीं लिखना है एग्जाम्पल, बस आपको लिमिटिंग करनी है। लिमिटिंग कर दीजिए आप किसकी? इस पूरी इक्वेशन 4 की। तो मैं लिमिटिंग किसका कर रहा हूँ? डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो मेरे पास हो जाएगा ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इधर भी लिमिट लगानी पड़ेगी, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो अब ये जो राइट हैंड साइड में टर्म आई है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म आई है, इन दोनों को हम एक नए रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये जो आपकी नई लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है ये कहलाती है डी वाई बाई डी एक्स, और ये ऐसे के ऐसे ही लिखनी आएगी यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। और यहाँ पर ये जो फंक्शंस हैं, इन फंक्शन को आप जब पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको फंक्शन की फॉर्म में ही रहने देते हैं क्योंकि हमारे को कोई फंक्शन गिवन नहीं है यहाँ पर, तो हम एक जस्ट सिम्बोलिक फॉर्म में इसको कर रहे हैं। तो हमारे पास जो हमारे को चाहिए था वो चीज़ आ गई है यहाँ पर, क्या? डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये आपका क्या कहलाता है? यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की डिफाइन करें आप, जो डिफ्रेंशिएशन हम सीखना चाह रहे हैं वो यही है कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर किसको बता रहा है? द इंस्टेंटेनियस चेंज इट रिप्रेजेंट, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इट रिप्रेजेंट
द इंस्टेंटेनियस यानी एक क्षण पर इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई किसके रेस्पेक्ट में, ये तो आपको ध्यान पड़ ही रहा होगा कि एक्स के रेस्पेक्ट में ही होगा क्योंकि इस नीचे कौन आ रहा है एक्स, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स यानी डीवाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज किसी पर्टिकुलर सेकेंड या पर्टिकुलर क्षण पर कोई चेंज हो रहा है वाई में विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी एक, अब यहाँ पे टाइम की तो बात नहीं करेंगे क्षण की, यहाँ या एक्स है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक सेंटीमीटर या एक सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे भी वाई में कितना चेंज आ रहा है, या ये कोई डिस्टेंस का फंक्शन नहीं ले रहा है अलग ही फंक्शन है, तो उस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर बहुत कम वैल्यू पर वाई में कितना चेंज आ रहा है वो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स शो करेगा, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं अवकलन करना। और यहाँ पर देखिए ये जो अकेला यहाँ पर जो मेन फैक्टर है वो है पूरा ये डी बाई डी एक्स, और ये क्या कहलाएगा आपका डेरिवेटिव, क्या कहलाएगा ये डेरिवेटिव, तो इसको हम देख लेते हैं एंड यहाँ पर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ये कहलाएगा आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी किसी भी फंक्शन का आपको यदि डिफरेंशिएशन करना है तो आपको उस फंक्शन पे क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले उसका एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और वो ऑपरेटर ऑपरेट करेगा उस फंक्शन पे और आपको कुछ वैल्यू देगा। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे क्या एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको हिंदी में अवकलज अवकलज या अवकलन संकारक या अवकल संकारक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको अवकल अवकलन संकारक, अवकलज या अवकल संकारक या फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स आपके सामने आया। इसी तरीके से यदि आगे और सीखेंगे कि दो बार यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो फिर डबल ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है, फिर तीन बार यदि करते हैं तो वो आगे की बातें हैं, फिलहाल तो हमें एक बार ही करना आना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो आप अभी तक जो हमने किया है डिफरेंशिएशन टॉपिक के अंदर वो क्या है कि किसी भी फंक्शन में किसी अनदर फंक्शन के या किसी भी फंक्शन में जो चेंज हो रहा है उस पर एस्पेक्ट में कोई अनदर वेरिएबल, जैसे एक्स में चेंज करने पर कोई अनदर वेरिएबल वाई में भी चेंज आ रहा है तो उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उस दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है उस चीज़ को बताने वाला ऑपरेटर क्या कहलाता है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है, और ये इंस्टेंटेनियस चेंज को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, जबकि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसको बताता है एवरेज चेंज, यानी किसी भी फंक्शन में किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कितना एवरेज चेंज आ रहा है वो चीज़ तो कौन बताएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और जबकि इंस्टेंटेनियस यानी पर्टिकुलर बहुत कम वैल्यू पे आपको चेंज देखना है तो उसको कौन बताएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स सिर्फ ये डी बाई डी एक्स क्योंकि वाई आपका वेरिएबल है जिस पे आपने क्या कर रखा है इस डी बाई डी एक्स को ऑपरेट करा रखा है, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है किस पे वाई फंक्शन पे, जो ऑपरेट करता है किस पे वाई फंक्शन पे, इज दैट क्लियर, तो डिफरेंशिएशन ये चीज़ है। तो अब इसका यूज सीखते हैं मल्टी यूज जो हमारे काम आने वाला है, तो अब आपको बहुत आसान लगेगा, आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी था कि ऑपरेटर क्या होता है, अब आप ऑपरेटर समझ चुके हैं। अब देखिए ऑपरेटर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ डी बाई डी एक्स ही वापस लिख दूँ, या फिर मैं यहाँ लिख दूँ डी बाई डी टी, या मैं लिख दूँ डी बाई डी यू, अलग अलग वेरिएबल में लेके चलो। ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये चेंज बताएगा किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स यहाँ पे क्या हो सकती है पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस हो सकती है या कोई डिस्टेंस है, यानी किसी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपको चेंज निकालना है किसी भी फंक्शन का, तो आपको कौन सा ऑपरेटर लगाना है डी बाई डी एक्स लगाना, लेकिन आपको टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है जैसे हम वेलोसिटी में निकालते हैं कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की कितने टाइम में, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की कितने टाइम में, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज बताओ कि कितनी डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो वो आपका ऑपरेटर डी बाई डी टी होगा और ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाएगा। ऐसे ही कोई वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बोल यू यहाँ पे क्या कहलाएगी एक वेलोसिटी ले लेते हैं जो ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो ये कुछ ऑपरेटर होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो इन सबको तो छोड़ो आगे जब इनका यूज आएगा तब आप इसको लिख लेना वहाँ पे। अब देखिए कुछ चीज़ें डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है इसकी एडिटिव
एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल वाई बराबर कोई फंक्शन था यहाँ पर एफ एक्स, और एफ एक्स यहाँ पर अकेला नहीं था, उसके साथ में एक और फंक्शन था यहाँ पर जैसे कोई जी एक्स, दो दो फंक्शन थे, दोनों ही फंक्शन किस फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। आपको वाई में चेंज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, इस एफ एक्स के रेस्पेक्ट में, और मतलब एक्स एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको वाई के अंदर चेंज देखना है। और यहाँ पर ये एक बार प्लस भी है और एक बार माइनस भी है, तो फिर डिफरेंशिएशन जब करेंगे इनका चेंज निकालने की कोशिश करेंगे तो वो चेंज कैसे निकलेगा, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई के ऊपर क्या ऑपरेट कर दें, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर को ऑपरेट करा दें वाई के ऊपर, तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर को वाई पे ऑपरेट कराने पर हमको क्या देखने को पड़ा कि वाई तेरी वैल्यू कितनी है, आपकी वाई की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एस, तो ये डी बाई डी एक्स को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, और इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन वन दे दो, इक्वेशन वन से कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू को मैंने इस वाई की जगह यहाँ पुट करा, तो कितना आ गया मेरे पास एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे यदि यदि कोई दो फंक्शन हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस है तो प्लस लगाना है और माइनस है तो माइनस लगाना है, उसके बाद आपको लाइन टू लाइन चलते हुए सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेटर किस पर ऑपरेट करेगा, एफ एक्स पर करेगा, फिर प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस लगा दो, और फिर वापस ऑपरेट किस पे करेगा, ये अगले फंक्शन पे ऑपरेट करेगा। यानी यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। यानी क्या समझ में आया आपको, हम यहाँ पे ये समझे कि कोई दो फंक्शन यदि एड हो रहे थे तो उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है, यानी एफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन होता है और जी एक्स का अलग होता है, यदि वो ऐड हो रहे तो प्लस लग जाता है, माइनस हो रहे तो माइनस लग जाता है, ये कहलाती है एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये आसान थी, आपको ऐसे एग्जांपल में दे देता हूँ, लेकिन एग्जांपल में अभी दूंगा तो आपको क्या है कि फॉर्मूले याद नहीं, और जब कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है तो फिर आप उसको आगे कर नहीं पाएंगे। तो पहले हम एक बार प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, उसके बाद कितने सारे फॉर्मूले इस डिफरेंशिएशन में हो सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, तो आपको बहुत अच्छे से आज ये डिफरेंशिएशन टॉपिक हमेशा के लिए आपका रेडी हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम कहते हैं कांस्टेंट प्रॉपर्टी। कांस्टेंट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई फंक्शन था वाई बराबर के एफ एक्स, और वाई बराबर के एफ एक्स फंक्शन में ये जो के है, वेयर ये जो के है, ये के कोई कांस्टेंट है, कोई संख्या है, कांस्टेंट का मतलब कोई संख्या, जैसे के बराबर 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, कोई भी संख्या यदि किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रखी है, तो आप यदि यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं इस वाई एक्स फंक्शन का डी बाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं एक्स का ही फंक्शन लेके चल रहा हूँ तो मुझे डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है। याद रखिए यदि मैं वाई बराबर के एफ टी लिख देता हूँ तो मुझे यहाँ डी बाई डी टी ऑपरेटर ऑपरेट कराना पड़ेगा किस पे, वाई पे, क्यों, क्योंकि मेरा फंक्शन टी का है तो मुझे ऑपरेटर भी टी का ही चाहिए होगा। अरे जब बुखार आता है तो गोली बुखार की ही चाहिए होगी, यदि आपको सरदर्द हो रहा था गोली सरदर्द की चाहिए होगी, ऐसा थोड़ी है कि हेडेक हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा तो आप बुखार की गोली खा लेंगे, नहीं ना। तो जैसे फंक्शन है वैसा का वैसा ही क्या करना होता है, अपन को यहाँ पे ऑपरेटर लगाना होता है। तो वाई यदि एक्स का फंक्शन है तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगेगा, और यदि वाई टाइम का फंक्शन है तो डी बाई डी टी ऑपरेटर यहाँ पे काम करेगा। तो डी बाई डी एक्स हमने यहाँ पे लगाया, वाई की वैल्यू पुट कर दी। ध्यान से समझना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आपको लिखने में आप बहुत बड़ी गलतियाँ करेंगे यहाँ पे, तो मैं कैसे लिखता हूँ उसको सीखते जाएं। जब मैं सबसे पहले ऑपरेटर लिखता हूँ डी बाई डी एक्स, यहाँ पे भी लिख दिया, और अब जो वाई की वैल्यू उसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे कैसे, ये देखिए y बराबर कितना था kfx, मैंने kfx लिख दिया, यहाँ y बराबर कितना है डी बाई डी टी तो लिख लो, पहले ऑपरेटर तो लिख लो, उसके बाद में आप क्या करो ऑपरेटर को ऑपरेट करा दो, सॉरी पहले y की वैल्यू पुट कर दो। अब कांस्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि कोई डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप किसी फंक्शन का और वहां पर कोई कांस्टेंट आ गया तो वो बाहर निकल जाएगा, यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो जब डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का होता ही नहीं है तो वो बाहर निकल जाएगा,
बाहर निकला, तो डी बाई डी एक्स और यहाँ क्या बचेगा एफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी के बाहर निकल जाएगा। और आपको एफ एक्स के ऊपर आपको इस एक्स को ऑपरेट करा देना है, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस जगह क्या होगा, तो डी वाई बाई डी टी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, तो ये डी बाई डी टी यहाँ बनेगा एफ टी, कोई दिक्कत नहीं, के बाहर निकल गया, बाकी एफ टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आपको हो सकता है कि ये बोरिंग लग रहा हो अभी, लेकिन आप हिम्मत बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें यदि आपको डिफरेंशिएशन इसी साल सीखना है तो, क्योंकि यदि आप इसको लास्ट तक नहीं सीखते हैं, यहीं पर बोर होकर वीडियो को पॉज कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो मैं दावा करता हूँ कि आप, यदि आप किसी अच्छे टीचर से और पढ़ रहे हैं तो बात अलग है, बाकी आप इसको नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि लास्ट में ये जो बोरिंग चीज़ है ये सब आपको बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लगने लगेगी जब हम इसमें क्वेश्चन करने लगेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो हम प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि क्या कर रहे हैं हम, है ना। तो अभी दो प्रॉपर्टी हमने सीखी, सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरी कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी, और तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। और मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी भी आपके, देखो एग्जाम्पल से हम सारी एक एक प्रॉपर्टी को सीखेंगे, लेकिन मैं पहले आपको यहाँ पर लिखवाता जा रहा हूँ कि कैसे काम करना है। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में मैं ऐसे बोल दूँ कि जैसे कोई दो फंक्शन है मेरे पास यहाँ पे, एफ एक्स और जी एस, और अब ये दोनों कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इनका। मैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेता हूँ कि ये एफ एक्स कितना है, यू है, और ये जी एक्स कितना है, वी। यानी मैंने मान लिया यहाँ पे कि एफ एक्स किसके बराबर है, यू के बराबर है, और जी एक्स किसके बराबर है, v के बराबर, यानी मेरे पास y बराबर क्या है, u इंटू v है। और कोई भी दो फंक्शन मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले y के ऊपर d बाई डी एक्स ऑपरेटर ऑपरेट कराएं, और जब ऑपरेट कराते हैं तो वापस d बाई डी एक्स y की वैल्यू पुट करें, जो कितनी है u इंटू v है, जो कितनी है u इंटू v। अब आप इसको कैसे खोलेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, u को ऐसे कैसे रहने दें, u को बाहर निकाल दिया तो आपके पास क्या बच गया, d बाई यहाँ पर dx, अब u बाहर आ गया तो क्या बचा, v बचा, यानी v का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस लगाना है। और अब जिस प्रकार आपने u को बाहर निकाला था, अब u को ये रहने दो और v को बाहर निकाल दो, तो v बाहर आ गया और ये क्या हो जाएगा, du बाई dx। यानी बहुत सिंपल मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर सेकंड को बाहर निकाल दो, और फिर फर्स्ट का क्या कर दो, वापस से डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दो, तो आपके पास में फॉर्मूला आ गया डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को करेंगे हम एक लास्ट प्रॉपर्टी, और उसके बाद आपको आनंद आने लगेगा डिफरेंशिएशन में। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही जबरदस्त, डिविजन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिविजन, यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी यू और वी को क्या करना है, हमको भाग लगाना है। यानी वाई कोई फंक्शन है जिसमें दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, एफ और एफ एक्स और जी एक्स, और मेरे को पता है ना एफ एक्स को मैंने क्या माना, यू, और जी एक्स को कितना माना, वी। यानी आपके पास फंक्शन क्या है, वाई बराबर यू अपॉन वी, ये कोई फंक्शन है आपके पास, इसका क्या कराना है, आपको डिफरेंशिएशन कराना है। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो मैं एक बार तो ऑपरेटर लिख दूँ डी बाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू कितनी है, यू अपॉन वी, अरे ये वाई की जगह यू अपॉन वी पुट कर दिया। अब फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बड़ी सी रेखा खींचो, और ये जो डिनोमिनेटर यानी हर में जो वी है, इस डिनोमिनेटर में वी के इसका वी स्क्वायर कर दो आप, यानी यू इंटू वी, यू अपॉन वी का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपका करो एक लाइन खींचो, और जो अभी आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, ये बड़ा ही आसान है, वी है तो वी का स्क्वायर, और जो यहाँ पे आपने वी स्क्वायर लिखा वहीं के वहीं आप क्या कर दो, उसी के उसी को आप यहाँ पे ऊपर लिख दो। और जैसे ही आपने लिखा, देखो v को आपने ऊपर लिख दिया, तो यहाँ ऊपर क्या बचा, सिर्फ u, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, x, du बाई डी एक्स, इंटू किया था तो प्लस लगाया था, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो फिर क्या करें आप, अब देखो v को तो आपने बाहर रख के u का कर दिया, तो अब सीधा सा काम यहाँ जैसे किया था वही करना है, यानी क्या किया आपने, v को बाहर रख के u का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अब क्या करना होगा, u को बाहर निकालो और v का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आपके पास में dy by dx डिविजन प्रॉपर्टी में जब करेंगे तो कैसे आएगा, d by dx u upon v equal to v into du by dx minus u into du by dx upon v square। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिविजन प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, अब कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये सारे
टेंशन ना ले, वापस रिपीट होंगे विद क्वेश्चंस। तो अब फॉर्मूलेस, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, फॉर डिफरेंट डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए डिफरेंट फॉर्मूला हम देखना चाह रहे हैं। देखो अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं और अलग अलग फंक्शन में अपन अलग अलग फॉर्मूला सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए बात कर रहा हूँ। एल्जेब्रिक फंक्शंस में क्या होगा बच्चों, देखो एल्जेब्रिक फंक्शन में एक ही फॉर्मूला है जिससे सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला जो है वो ये है कि यदि y बराबर, जैसे मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ या ऐसे लिख देता हूँ, इफ y बराबर x की पावर n, x की पावर n एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। x क्या होता है, एल्जेब्रिक वेरिएबल है। तो x की पावर n यदि कोई y बराबर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स यदि मैं निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ डी बाई डी एक्स लिखना होगा, और डी बाई डी एक्स में मैं ये क्या लिख दूँ यहाँ पर, एक्स की पावर एन। ठीक है, क्लियर। यानी मैंने वाई यहाँ पर कोई फंक्शन लिया है, वाई बराबर कितना फंक्शन लिया, एक्स की पावर एन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो सकता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो मैं इतना बड़ा नहीं लिखूँ इसको, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख दूँ, बाद में सीख लेंगे हम कैसे लिखते हैं इसको। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आ रहा है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का आ रहा है, कितनी का, एक्स की पावर एन का। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो पावर है इसको आगे लिख दो, यानी ये पावर उछल के आगे आ जाएगी, यानी एन, और यहाँ पर एक्स की पावर अब एन थी ना पहले, अब यहाँ पे एक कम हो जाएगी, यानी एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इसका डिफरेंशिएशन होगा। फर्स्ट फॉर्मूला बहुत आसान था, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए आपके पास कैसे कैसे आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे वाई बराबर फंक्शन लिया एक्स की पावर टू, मुझे बताओ इस x की पावर n और x की पावर 2 में क्या डिफरेंट, क्या अंतर है, यहाँ n है और यहाँ 2 है, यानी यहाँ पर इस n की जगह मैंने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, यानी इस फॉर्मूले में मेरे को जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ क्या क्या करना है, वहाँ वहाँ 2 लिखना है। तो y बराबर x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो dy वाई बाई डी एक्स कर दें, इस y के ऊपर ऑपरेटर लगा दें dy बाई डी एक्स का, जैसे ऑपरेटर लगाओगे इस y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। अब आप देखो इसी फॉर्म में आ गया ना, क्या किया आपने, n इंटू एक्स एन की पावर माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन, और n की जगह यहाँ कितना है, यहाँ पर n की जगह 2 है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन, तो कितना आंसर आ गया 2, x की पावर 2 में से एक गए कितने बचेंगे, x की पावर 2 में से एक गए तो 1 बचेगा, यानी आंसर कितना आ गया 2 इंटू एक्स, x की पावर 1 क्या होता है, x ही होता है, तो अपने पास 2x आ गया, यानी आपको कहीं पे भी x स्क्वायर दिखे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, ये ध्यान रखना है आपको 2x होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n बराबर क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। यदि मैं n बराबर 2 रखता हूँ तो ये 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाता है, जो कि 2 इंटू एक्स की पावर 1 बचता है, जो कि 2x हो जाता है। और देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो यहाँ सिर्फ x की पावर 1 नहीं होती, क्या होती है यहाँ पे, x की पावर ओनली 1 होती, तो उसके लिए हम कैसे करते। तो देखो यहाँ पर क्या करना पड़ता है मुझे, dy by dx, पहले इसका ऑपरेट dy dx, y की वैल्यू कितनी है, x की पावर 1, फॉर्मूला तो वही है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो n की जगह कितना रखना है 1, तो n की जगह 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0। और याद रखो बच्चों x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 क्या होगा 1, यानी x का डिफरेंशिएशन dy by dx हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो आप इसको शॉर्टकट में और लिख सकते हैं यहाँ पर कि dx अपॉन dx कभी भी किसी भी ऑपरेटर का x यहाँ पर ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, इस ऑपरेटर का खुद x के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन करना, तो dx बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा वन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये d बाई डी एक्स से कट गया, देखो ना यहाँ पे dx अपॉन डी एक्स तो वन नहीं तो आना था, कट गया, लेकिन कटता नहीं है बच्चों, ध्यान रखना ये dx अपॉन डी एक्स यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, भाग नहीं हो रहा है इसका, ये d बाई डी एक्स तो अलग ऑपरेटर है जो x को ऑपरेट कर रहा है, और कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने के कारण यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। तो dx अपॉन dx हमको लिखना हमेशा 1 है,
जब हम फास्ट करेंगे तो dx अपॉन dx जहाँ दिखेगा हम 1 लिख देंगे, या जहाँ dx स्क्वायर अपॉन dx दिखेगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि dx में dx का डिवाइड नहीं हो रहा है, ये कोई डिवीजन का काम यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ तो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, और ऑपरेट करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है। तो ये दो क्वेश्चन हमने इस फॉर्मूले पे बेस्ड सीखे, एक दो क्वेश्चन और सिखाता हूँ मैं आपको इसमें, एक ही फॉर्मूला है जिसमें सारा काम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मैं यहाँ पे y बराबर कोई फंक्शन ले लूँ 5, y बराबर क्या ले लूँ 5, और अब देखो 5 है तो ये तो x में तो फंक्शन है ही नहीं, यानी ये सिर्फ क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब मुझे ऑपरेट कराना है तो मैं क्या लिखूँ, पहले तो ऑपरेटर लिखूँ और यहाँ क्या लिखूँ y, और फिर यहाँ पर वापस ऑपरेटर लिखूँ, y की वैल्यू लिख दूँ 5। अब यदि यहाँ पे x है ही नहीं तो फिर ये इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, हमारा दिमाग काम नहीं कर। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 5 अकेला नहीं था, 5 के साथ क्या था 1। अब याद रखें कोई भी इस दुनिया में अकेला नहीं होता, जो भी आपको अकेला दिखे ऐसा समझ लो कि उसके साथ कोई हो ना हो उसके साथ एक जना जरूर है, और वो एक कौन है, एक वही है जो हमारा सर्व सच्चिदानंद परमात्मा है। परमात्मा एक कण कण में मौजूद है लेकिन है तो एक ही। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि 5 अकेला नहीं है, 5 के साथ कौन है, एक है, और एक कौन है, इसके साथ भगवान है। कौन है इसके साथ, भगवान। और ये भगवान यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये रहा, भगवान कभी दिखता नहीं है लेकिन महसूस करो तो होता, हमेशा साथ में है। ये दिख रहा है यहाँ पे 5 × 1 = 5 ही होगा। और एक को आप क्या लिख सकते हैं, x की घात 0 लिख सकते हैं। x की घात 0 कितना, देखो रूप बदल रहा है, अलग अलग कण कण में अलग अलग रूपों में यहाँ पे भगवान मौजूद है। इस तरीके इस चीज को हम इस तरीके से देखें, ये गणित को हम किस तरीके से आध्यात्मिक रूप दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज है, एक एक x की घात 0 है, ये देखो फंक्शन आ गया आपका। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × x की घात 0, और मैं इसको वापस लिख सकता हूँ 5 × x की घात 0। और आप ध्यान से देखो, अब ये कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी वाला टर्म आ गया कि किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट दे रखा हो किसी फंक्शन के साथ में, तो उस कांस्टेंट का तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो तो बाहर निकल जाता है, बाहर निकाल दो। तो फिर डिफरेंशिएशन किसका होता है, x की पावर 0 का होगा। n की जगह x की पावर 0 में कितना लिखा है, n बराबर कंपेयर करो x की पावर n, x की पावर 0, n बराबर 0 है, n बराबर 0 है, तो इस फॉर्मूले में n बराबर जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 0 लगा दो, तो क्या आ जाएगा, 0 × x की पावर 0 − 1, यानी ये हो जाएगा 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलेगा। यानी आपने क्या सीखा कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो वो हमेशा ही क्या आता है, 0 आता है। यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आता है, लेकिन 0 आता कैसे है वो इस तरीके से समझो, इज दैट क्लियर। तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म करके ऐसे लिख सकते हैं कि d/dx किसी भी कांस्टेंट का आप करोगे, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वो हमेशा ही क्या आएगा, 0 आता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने किस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज किया अलग अलग जगह पर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था मेन कि d/dx x की पावर n हो, तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, n × x की पावर n − 1 लिखना होगा। तो इस तरीके से आपने सीखा x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, कोई सी भी घात हो आप उसको यहाँ पे लाके कर सकते हैं। आप अब एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे आपके पास y बराबर √x, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि √x का कितना डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो इस √x को आप डायरेक्ट याद करना चाहे तो इसका फॉर्मूला तो ये होता है dy/dx = 1/2 √x, यानी ये √x नीचे आ जाता है और 1/2 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन ये ऐसा कैसा आया, इसका प्रूफ समझना चाहे आप तो देख सकते हैं कि ये जो y है इसको मैं √x की जगह x की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। छोटी क्लासों में आपको पावर सिखाते हैं कि √x की मतलब कितना, x की पावर 1/2 है, और जब x की पावर 1/2 है तो n बराबर कितना हो गया, अब यहाँ पे 1/2, यानी ये का यही फॉर्मूला आपको काम में लेना है। तो dy/dx कितना हो जाएगा, d/dx आपको किसका करना है, √x का या x की पावर 1/2 का, x की पावर 1/2 का। तो ये हो जाएगा 1/2 × x की पावर 1/2 − 1, देखो फॉर्मूला क्या है, n × x की पावर n − 1, तो 1/2 × x की पावर 1/2 −
वन, तो देखो वन बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन, वन बड़ा है आधा छोटा है, यानी वन में से हाफ गया तो क्या बचेगा, माइनस का हाफ, और माइनस का हाफ जब नीचे आएगा तो वन बाई टू एक्स की पावर ये प्लस हाफ हो जाएगा, और एक्स की पावर हाफ को वापस किस में लिखा जा सकता है, रूट में, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स, वन बाई टू रूट एक्स, तो ये देखिए यानी रूट एक्स का इस तरीके से होता है। तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं इसको, बस आपको यूज करना आना पड़ेगा इस फॉर्मूले का। और इस अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, मैंने दे दिया वाई बराबर एग्जाम्पल नंबर फोर या फाइव जो भी है, ये वाई बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या दे दिया, या वन अपॉन एक्स ही दे दिया लो, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अब ये आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, एक्स की पावर इधर या तो एक्स ही नीचे आ रहा, तो कोई बात नहीं एक्स की पावर ऊपर लिया हो इसको, और जैसे ही ऊपर लाओगे ये क्या हो जाएगा माइनस वन। अब ये वो बन गया ना फॉर्मूला भाई, तो एन बराबर कितना आ गया माइनस वन, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, फॉर्मूला लगा दो डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी एक्स की पावर माइनस वन, तो फॉर्मूला जो भी पावर है आगे आ जाएगी इनटू जो भी पावर थी उसमें से एक घटा दो, जो भी पावर कितनी है माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन, तो हमारे पास आ गया माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू, तो हमारे पास आ गया माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे जाएगी पावर वापस। तो आप फिर याद करें शॉर्टकट में कि यदि डी बाई डी एक्स हमें निकालना है वन अपॉन एक्स का, किसका डी बाई डी एक्स किसका निकालना है वन अपॉन एक्स का, तो आप इसको माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर डायरेक्टली याद कर सकते हैं। बट हो किस फॉर्मूले से रहा, इसी फॉर्मूले से रहा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आगे अब इसको आप एक एक करके देखें, मैं आपके साथ एक साथ लिख देता हूँ इन सबको। जैसे आपके पास में अब ये डी बाई डी एक्स आ जाए सिंपल, तो ये वन हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर डी बाई एक्स की पावर जीरो आ जाए, या डी बाई यहाँ पर डी एक्स और कोई कॉन्स्टेंट आ जाए वन, तो ये जीरो हो जाएगा। फोर यदि यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर टू हो जाए तो ये टू एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स एक्स की पावर थ्री हो जाए तो ये तीन आगे आ जाएगा, एक्स की पावर टू बन जाएगा। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स रूट एक्स आ जाए तो ये वन बाई टू रूट एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स आ जाए तो ये माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स ये वन अपॉन एक्स की पावर टू आ जाए तो ये माइनस टू अपॉन एक्स की पावर थ्री बन जाएगा। खूब है, करते जाओ बढ़ाते जाओ, माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर, इसको क्यूब कर दोगे तो आगे चलता जाएगा। तो मेन फंक्शन यही है, मेन फॉर्मूला यही है, इससे सारे बने हुए हैं। एक साथ इनको याद करें और साथ ही आप इनको सीखे भी सही कि ये कैसे आ रहे हैं। ये तो था एलजेब्रिक फॉर्मूला। अब देखो आप लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे हो, सेकंड डाल देते हैं लॉगरिथमिक। तो मैं यहाँ पे y बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन आ गया log की पावर x, सॉरी log की पावर x का log x, क्या मेरे पास फंक्शन क्या आ गया log x, और यहाँ पे बेस कितना है, फिर देखो बेटा ध्यान से, log x लिखने के लिए log x तो एक साथ लिख दो और बेस इच्छे लगा दो आप, ये बेस है ये, तो आप ऐसे मत लिख देना log e की पावर x, वो अलग है, log e की पावर x भी होता है लेकिन उस समय भी बेस क्या होता है ई, उसको आप ऐसे लिखोगे लोग ई की पावर एक्स बेस ई, तो दो दो ई आएंगे और ये ई से ई कट के एक्स आंसर बच जाएगा इसका। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने सिखा रखा है आपको लॉगरिथम में, बट फिलहाल तो यहाँ पे लोग एक्स है जिसकी बेस कितनी है ई है। तो ऐसे का डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है कि लोग एक्स आ गया तो आपको क्या कर देना, उसको वन अपॉन एक्स कर देना। लेकिन अब जैसे आपके यह आ गया डी बाई डी एक्स, यहाँ पर लॉग और ये एक्स ही है लेकिन बेस ए है, बेस क्या ए, ई बेस नहीं है बेस ए है, तो अब वापस आएगा तो वन अपॉन एक्स ही, लेकिन इसके साथ में कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा जो होगा लॉग ए, जिसका बेस क्या होगा ई। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, इसका बहुत कम यूज होगा, याद रहेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ये आपको 100% याद रहना चाहिए। तो दो फॉर्मूले लॉगरिथम के। अब कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले देखो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो पहली बात तो फंक्शन कितने होते हैं ये भी ध्यान होना चाहिए। तो देखो बेटा फंक्शन होते हैं पांच, आई लेट, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम, लॉगरिथम,
ए का मतलब एलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब ये अभी जो मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल, क्या होता है ये एक्सपोनेंशियल। अभी मैंने एलजेब्रा करवा दिए, मैंने लॉगरिथम वाले करा दिए, अब इसकी बात ही है एक्सपोनेंशियल की, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और इनवर्स पढ़ेंगे और हमारे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो एक्सपोनेंशियल के दो ही फॉर्मूले हैं, वो भी देख लो आप। तो पहला फॉर्मूला है e की पावर x, यानी यहाँ पे y बराबर कोई फंक्शन हो जाए जिसको हम लिखे e की पावर x, ऐसे y बराबर कोई फंक्शन दे रखा हो e की पावर x। e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ये n है, तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, ये का यही होता है, यानी e की पावर x है तो e की पावर x ही होता है, ध्यान रखना। दूसरा जैसे एक फंक्शन है आपके a की पावर x, तो ए की पावर एक्स का देखो यहाँ पर कोई वाई बराबर फंक्शन दे दे ए की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन भी ए की पावर एक्स ही होता है, लेकिन साथ में क्या मल्टीप्लाई होता है, लॉग ए, जिसका बेस कितना हो ई, यानी ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होगा, तो ये दो हो गए आपका एक्सपोनेंशियल। तो ये बहुत काम आता है, इसको याद रखना, ये काम नहीं आता इसको भूल जाना, याद रखो तो रख लेना कोई बात नहीं। एक्सपोनेंशियल के बाद अब जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री के, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फोर्थ नंबर पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देखो फॉर्मूले, तो डी बाई डी एक्स आपको जैसे करना है फॉर एग्जांपल, सबसे पहले साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, साथ ही देखो आपको डी बाई डी एक्स इसका करना है कोस एक्स का, तो इसका माइनस साइन एक्स होता है। इसी तरीके से आपको d बाई डी एक्स करना है tan x का, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है sec का स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। इसी तरीके से आपको d बाई डी एक्स जैसे करना है sec x का, तो ये होता है sec x tan x, sec x into tan x। ऐसे देखो दो दो एक और हैं। पांचवे नंबर पे हम ले रहे हैं डी बाई डी एक्स कोटेक्स, कोटेक्स का यदि आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर, तो देखो कितना सिंपल ही है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो कोटेक्स का कोटेक्स कोसेक स्क्वायर, लेकिन माइनस लगाना, टेन एक्स में तो प्लस में ही आ रहा है, लेकिन कोटेक्स करेंगे तो किसमें आएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। सिक्स नंबर पर डी बाई डी एक्स अब किसका निकाले, कोसेक एक्स का, देखो सब आ गया ना, साइन एक्स कोसेक्स टेन एक्स कोटेक्स sec x और ये cosec x, तो sec x का क्या था sec x tan x, तो cosec x का क्या आएगा cosec cosec x into cot x, लेकिन साथ में क्या आएगा माइनस, तो देखो cot और cosec के साथ हमेशा माइनस आता है, ये ध्यान रखना, तो माइनस cosec x into cot x, ये आपको याद रखना। और सबसे ज्यादा जो यूज आने वाले है वो ये चार, बहुत कम यूज आएगा उनका, लेकिन फिर भी याद रखना है आपको, लेकिन ये चार तो आपको याद होना चाहिए सपने में, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन, फर्स्ट फर्स्ट कौन है साइन एक्स, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सेकंड वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, बाकी टेन का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोटेक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोटेक्स। तो ये था आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनको आपने याद किया अभी, के बाद में इनवर्स वाले भी हैं, लेकिन इनवर्स वाले आपके इतने काम के नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, फिजिक्स में इनका यूज नहीं आता है, छोड़ दो उनको। अब कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, प्लस माइनस वाली, कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और डिवीजन प्रॉपर्टी, उनका यूज हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो डिवीजन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को हमको यहाँ समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हमारे डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी चीज और है यहाँ पे, चेन फॉर्मूला, तो चेन रूल भी आप सीख लीजिए कि चेन रूल क्या होता है। चेन रूल को देखना कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने y बराबर कोई फंक्शन लिया है यहाँ पे साइन 2x, क्या फंक्शन लिया मैंने साइन 2x, तो इस फंक्शन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चेन रूल कैसे काम करता है डिफरेंशिएशन। साइन 2x एक कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर दो फंक्शन छुपे हुए हैं। साइन 2x पूरा का पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो कि हम जान ही रहे कि साइन थीटा है ये,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है ही, साथ ही इसके अंदर देखो साइन एक्स साइन टू एक्स को मैं इस साइन को छुपा लूँ तो ये क्या बन गया 2x, और 2x कैसा फंक्शन है, यानी यहाँ पर 2x एक खुद अलग से क्या फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो फिर चेन रूल होता क्या है, चेन रूल क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में जो कितने फंक्शन छुपे हुए हैं उन सबका डिफरेंशिएशन करना, किसके रिस्पेक्ट में, जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको करने के लिए कह रखा है। जैसे x के रेस्पेक्ट में करने के लिए कह रखा है तो x ले लो, t दे रखा है तो t ले लो, u दे रखा है तो u ले लो, v दे रखा है तो v ले लो, जैसी मर्जी है वैसे ले लो। अभी मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करो इसको विद रेस्पेक्ट टू, तो देखो विद रेस्पेक्ट टू इन तीनों को मैंने w r t लिखा, w का मतलब विद, r का मतलब रेस्पेक्ट, t का मतलब टू, ये क्या हो गया x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। और अब देखो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी का ही यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, साइन टू एक्स। आप ध्यान रखें डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता है, ये कोस एक्स होता है, कितना होता है कोस, तो साइन टू एक्स है तो क्या हो जाएगा कोस टू एक्स हो जाएगा, भाई यहाँ पे एक्स था तो एक्स है, टू एक्स है तो कोस टू एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सेम टू। लेकिन अब वापिस देखो यहाँ पे क्या होगा, तो एक बार इसको वापस देखो इस तरीके से लिख लेना d by dx, एक बार y की वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पे sin 2x u, और पहले sin 2x का जैसे ही आपने क्या किया है आपके पास cos 2x आया, और into इसको मिटा दो, इस 2x का वापस डिफरेंशिएशन होगा, यानी डिफरेंशिएशन वापस करना है किसका 2x का, ये चेन रूल है, एक के बाद एक चेन चलेगी। तो 2x में 2 क्या है कॉन्स्टेंट, बाहर निकल जाएगा x का डिफरेंशिएशन होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2x into 2, बाहर निकल गया 2 into 2, और dx upon dx बच गया। और मुझे बताओ dx upon dx कितना होता है, पहले मैंने आपको याद कराया dx upon dx की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे पास क्या आ गया cos 2x into 2 into 1। तो आंसर देखो क्या आया, नॉर्मली देखते तो अपन इसका सिर्फ sin 2x का cos 2x ही करते, लेकिन cos 2x इसका आंसर अधूरा है क्योंकि इसके साथ में और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 भी, तो आपको इस 2x का भी वापस डिफरेंशिएशन कराना है, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो ये आ जाएगा 2 cos 2x, ठीक है, तो आपके पास में इसका ये आंसर आ गया। तो ये था चेन रूल, और देखो तो इस तरीके से चेन रूल है। अब देखो चेन रूल और भी बहुत तरीके से हो सकता है बच्चों, तो आगे क्वेश्चंस करेंगे हम, तो हम प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस उठाते हैं उसी में चेन रूल भी सिखाता जाऊंगा, और प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं वो भी हम उसी में ही सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी को समझना चाह रहे हैं, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी पहली बात तो होती क्या है, तो मैं जैसे यहाँ पर लिख दूँ कि y बराबर u इंटू v था, तो इसका डिफरेंशिएशन dy वाई बाई डी एक्स यदि हम करें, यानी मैं dy वाई डी एक्स करना चाहता हूँ u इंटू v, दो दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आप u को या v को किसी भी एक चीज़ को, जैसे v ले लो तो v को बाहर निकाल दे तो u का कर दें u बाई डी एक्स कर दें, और यदि आप प्लस लगाएं यहाँ पे v आपने पहले बाहर निकाल दिया और u का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अब u को बाहर निकाल दो और v का क्या कर दो डिफरेंशिएशन कर दो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस इन डिफरेंशिएशन। एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, जैसे y बराबर कोई फंक्शन है x इंटू ई एक्स। अब देखो समझने की बात के पहले पहचान कैसे पड़ेगी कि ये u इंटू v का अप्लाई करना है, तो देखो दो फंक्शन होंगे अलग अलग, एक फंक्शन है एल्जेब्रिक, एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, तो x इंटू ई एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, ये है u और ये है v। आप बोले नहीं मैं इसको v मानूंगा उसको u, मर्जी है, जैसे मान लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर वही आएगा। तो u इंटू v करना है, फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स वाई, और डी बाई डी एक्स वाई में क्या लिखना है आपको, u इंटू v को, यानी x इंटू e की पावर x को, और अप्लाई कर दो। सबसे पहले x को यहीं रख दो तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, e की पावर x का कर दो, और प्लस अब e की पावर x को ऐसे रख दो और किसका डिफरेंशिएशन कर दो, x का डिफरेंशिएशन कर दो, हो गया ना, इसको ऐसे रखा तो उसका कर दिया, उसको बाहर रखा तो उसको कर दिया, ये फॉर्मूला, u बार v बार रखा तो u का कर दिया, u बार रखा तो v का कर दिया। अब आप सोचोगे v बार क्यों रखा, पहले u क्यों नहीं रखा, तो ये तो प्लस में इसको पहले लिखो उसको बाद में लिखो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे v लिखने के पीछे मेरा एक स्वार्थ तो यहाँ पर है,
कि जब मैं डिवीजन करना सिखाऊंगा तो वहां वी पहले ही लेना है। तो आप हमेशा याद रखो कि वी को पहले लेके चलना है, पहले प्लस लगो या माइनस लगो, क्योंकि जब डिवीजन करेंगे तो वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से अप्लाई करने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स एक्स ही रहेगा। और याद रखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x और d बाई डी एक्स वन होता है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, देखो इस वाली टर्म में e की पावर x है, इधर भी e की पावर x से कॉमन निकल जाएगा, तो e की पावर x कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा x और ये बचा 1, तो ये हो गया आंसर x प्लस। तो इस प्रकार से u इंटू v का मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। आगे अपन एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अभी, चलो हम आगे बढ़ते हैं हम एक और एग्जांपल के साथ में, तो देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे इसको। तो मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी है इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि आपके इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 2, जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ x इंटू साइन एक्स, तो एक्स इंटू साइन एक्स यहाँ पर देखें तो एक्स एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको यदि मैं u मान लूँ और इसको मैं v मान लूँ तो ये y बराबर क्या आ गया वापस u इंटू वी। तो मुझे जो इसका डिफरेंशिएशन करना है वो किस प्रॉपर्टी से होगा, किस फॉर्मूले से होगा, सबसे पहले u को बाहर रखो dv बाई डी एक्स प्लस v को बाहर रखो du बाई डी एक्स, या फिर सबसे पहले v को बाहर रखो du बाई डी एक्स प्लस u को बाहर रखो, या हाँ u को बाहर रखो dv बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पर अपन उस फॉर्मूले को एक बार वापस लिख लेते हैं, तो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, ये बार बार नहीं लिखनी आएगा। तो u इंटू यहाँ पर जैसे अपन v पहले लिख लो ताकि आपको याद रहे, v डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस तरीके से इस फॉर्मूले को यदि अप्लाई करें तो v क्या है हमारे पास sin x, तो sin x को पहले रख ले और x का क्या करो आप डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, अब आप क्या करो u को ऐसे रन दो यानी u एन आपका x ऐसे रन दो और डिफरेंशिएशन आप कर दो किसका v का, और v आपके पास में क्या है यहाँ पे sin x। तो देखो sin x तो sin x ही रहा, dx अपॉन dx कितना हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 होती है प्लस x, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी cos इंटू x। तो हमारे पास आ गया sin x प्लस x cos x, तो इसको हम एक बार वापस लिख देते हैं यहाँ पे sin x प्लस x cos x, तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे मल्टीप्लिकेशन के। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें चेन रूल भी आ रहा होगा और साथ ही थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ साइन टू एक्स लॉग लॉग ई की पावर एक्स और बेस ई अलग है, ये क्वेश्चन आप समझना। अब इसमें u इसको मान लिया और v इसको मान लिया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है साथ ही ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसमें ढंग से देखे तो सॉरी एल्जेब्रिक नहीं है, कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इसमें ध्यान से देखे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में एक एल्जेब्रिक फंक्शन 2x भी शामिल है, साथ ही इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन में देखो e की पावर x अलग से आ रहा है, तो ये एक यहाँ पर कैसा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो अब आपको देखो इसको करना हो तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, फर्स्ट मेथड तो ये कि आप इसको इसकी इसी फॉर्म में रहने दो और इसको पूरा सॉल्व करो, और सेकंड मेथड ये कि इस पूरे चीज़ को जैसे ये y बराबर लिखा हुआ है साइन टू एक्स और log e की पावर x और बेस e है तो इसको बदल दो, और हमको पता है कि log e बेस e की पावर x कितना होगा, log e से ही कट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा e x बचेगा, ये ऐसा बताया था आपको कि बेस जितना बेस और यहाँ पे वही संख्या आ जाए तो वो कट जाता है और जो पावर होती है वो आपकी संख्या बन जाती है। तो क्योंकि ये बाहर ये तो बाहर आ जाएगा इस तरीके से, यदि इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो x तो बाहर आ जाएगा और पावर आगे आ जाएगी और ये क्या बनेगा log e और ये e, तो e बन के ये कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये कट के ये 1 हो जाएगा, तो x इंटू क्या कहलाएगा ये 1। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास क्या आ गया साइन 2x इंटू x, एक तो इससे करो आप, ये आपके लिए होमवर्क है कि भाई sin 2x और इसको आपने किस में बदल दिया x में, तब आप इसको कैसे करेंगे, तो इसको u माने इसको भी माने, पहले एक बार v को रखें u का डिफरेंशिएशन करें, लेकिन अब ध्यान रखना sin 2x का जब आप करेंगे तो यहाँ दो दो बार डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल तो मैं आपको यहाँ समझा ही दूंगा और मैं आपको पूरा लॉग की फॉर्म में ही करके दिखा रहा हूँ,
लेकिन आप इसको सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब देखो फर्स्ट मेथड के अंदर क्या होगा, फर्स्ट मेथड तो y बराबर dy वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमने क्या किया डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू, तो y क्या बन गया dy वाई बाई डी एक्स, ऑपरेटर लगा दिया इसके साथ। अब यहाँ देखो v है, v को पहले लिख दें तो log e बेस e की पावर x, ये ऐसे ही रह गया और इसका डिफरेंशिएशन किया, तो d बाई डी एक्स इसका करना है हमें साइन 2x का प्लस। अब अपन ने क्या किया, v को ऐसे रखा था, u को या डिफरेंशिएशन कर दिया, अब u को ऐसे रहने दो यानी साइन 2x को ऐसे रहने दो और डिफरेंशिएशन किसका कर दो d बाई डी एक्स, ये आगे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन, क्या है इसको थोड़ा सा u कर देते हैं तो ये साथ के साथ ही आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा अब log बेस e e की पावर x का, लिखने का तरीका सही रखें आप। तो देखो ये तो ऐसे ही रहेगा log बेस e e की पावर x और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 2x, और वापस देखो 2x का, और 2x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास पता है ना क्या आने वाला है 2, क्या आने वाला है 2, कैसे पहले भी करके दिखाया मैंने d बाई डी एक्स किसका करना है वापस 2x का, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dx अपॉन dx कितना होता है 1 होता है प्लस, यानी आपको इस sin 2x का cos 2x लिखने के बाद इस 2x का वापस क्या करना था डिफरेंशिएशन, ये चेन रूल इसके साथ में काम कर रहा था, sin 2x ही है। अब देखो यहाँ पर log x है तो log का क्या होता है फॉर्मूला, log x के लिए होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, हम जानते हैं d बाई डी एक्स log यदि यहाँ पर आता है बेस e के साथ तो ये कहलाता है 1 अपॉन x, चूंकि ऐसा होता है तो यहाँ पर ये एक तरह का log x ही है, हालांकि x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ e की पावर x, तो जो लिखा हुआ है वही नीचे आ जाएगा यानी e की पावर x नीचे आ जाएगा, ये हो गया कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पर चेन रूल कैसे काम करेगा, तो log इसका डिफरेंशिएशन किया क्या आ गया 1 अपॉन e की पावर x, अब वापस किसका डिफरेंशिएशन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक बार लॉग फंक्शन है इसके बाद एक्सपोनेंशियल, देखो यहाँ पर भी ये फंक्शन दो फंक्शंस का से मिलकर बना हुआ, लॉग फंक्शन तो यही साथ ही एक्सपोनेंशियल अलग है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन कितना होता है e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि अब वापस किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे d बाई डी एक्स e की पावर x का करना पड़ेगा इस तरीके से। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, ये कट कटा के क्या बचेगा x, ये बताइए अपन को उधर करके दिखाया, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 2x और इनटू इसका देखो 2 बाहर निकल जाएगा और dx अपॉन dx कितना बन जाएगा 1 प्लस ये e की पावर सॉरी एक बार और लिख दो sin 2x और e की पावर x नीचे है 1 अपॉन e की पावर x और इनटू यहाँ पर डिफरेंशिएशन वापस कितना आएगा e की पावर x ही आएगा क्योंकि d की पावर x का d बाई डी एक्स e की पावर x ही होता है, e की पावर x से e की पावर x कट गया तो हमारे पास कितना आ गया x 2x cos 2x प्लस साइन 2x, तो ये आंसर है आपके साथ। अब इसको आप करें नॉर्मली तो देखें कि ये आता है या नहीं आता है, तो आप चेक करना इसको, जैसे यहाँ पर मैं वैसे चेक कर लेता हूँ इसको मेरे स्तर पर कि ये आएगा नहीं आएगा, तो देखो x को ऐसे ये रखा तो साइन 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू टू साइन 2x का cos 2x और वापस 2x का 2 हो जाएगा, तो ये आ रहा है ये वाली टर्म आ रही है हमारे पास 2x cos 2x प्लस करेंगे sin 2x को बाहर रखेंगे और x का करेंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल 100% आपको इस फॉर्मूले में ये u into v से आप करके देखेंगे तो ये का ये आंसर आपको मिलेगा। तो ये एक आपके सामने क्वेश्चन था u into v का, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना आगे होगी कि u into v यदि दो फंक्शन आ जाए तो उनका डिफरेंशिएशन फिर कैसे होगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की मदद से होता है। तो अब डिविजन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो डिविजन प्रॉपर्टी जो है आपकी उसके लिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, पहले डिवीजन प्रॉपर्टी में साइड में लिख देता हूँ कि जैसे d बाई डी एक्स यू अपॉन वी दो फंक्शन है इनका करना है तो नीचे आएगा वी स्क्वायर वी इंटू डी यू बाई डी एक्स और माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं अपन, एग्जाम्पल वन जैसे y बराबर आपको दे दिया x अपॉन साइन x या साइन x अपॉन जैसे x दे दिया या e की पावर x दे दिया, कोई भी फंक्शन हो सकते हैं तो कुछ भी बना सकते हो आप, साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, इसको क्या लिया आपने u, इसको ले लिया v
मान लिया इसको कि साइन एक्स कितना है u और e की पावर x क्या है v, ऐसे ना लिखें इसको, बराबर मान लें कि u है और ये क्या है v है। अब फॉर्मूला लगाओ तो dy by dx का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो इसको d by dx लिख के y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू ये है ना, यहाँ पुट कर दी तो क्या आया साइन एक्स अपॉन e की पावर x, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे v का स्क्वायर, v यहाँ पे क्या e की पावर x, यानी e की पावर x का स्क्वायर, फिर ऊपर क्या आएगा v, v यानी e की पावर x ही आएगा, और डिफरेंशिएशन करना है आपको u का यानी d बाई डी एक्स किसका करना है साइन x का, ठीक है। माइनस प्लस की जगह आप यहाँ क्या आएगा माइनस, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ प्लस आता है जबकि आपका जो डिवीजन प्रॉपर्टी है इसके अंदर ये माइनस आता है। अब आगे देखें u, u यहाँ पे कितना है साइन x, तो साइन x ऐसे ही रहेगा, और डी वी बाई डी एक्स यानी इक्की पावर x का डिफरेंशिएशन करके आपको लिखना है। अब आप फॉर्मूले याद करो, इक्की पावर x ऐसे ही रहेगा, साइन x का कितना होता है कोस x माइनस साइन x का क्या होता है साइन x, तो सॉरी सिंपल ही रहेगा, इक्की पावर x का डिफरेंशिएशन इक्की पावर x ही होता है, और नीचे कितना है इक्की पावर 2x। अब यहाँ से ध्यान से देखो, इक्की पावर x इसमें भी आ रहा है, इक्की पावर x इसमें भी आ रहा है, कॉमन निकल जाएगा, तो इक्की पावर x सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे क्या आ गया कोस x माइनस साइन x अपॉन इक्की पावर 2x, इक्की पावर x से ये 2 कट गया, स्क्वायर है नहीं कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कोस x माइनस साइन x अपॉन इक्की पावर x। तो ये डिफरेंशिएशन है साइन x अपॉन इक्की पावर x, यानी हम क्या कर रहे हैं y के अंदर चेंज निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, और इस तरीके से डिवीजन में और एक यदि दो फंक्शन, तो इस तरीके से आपका ये चेंज निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रॉपर्टी को आप थोड़ा अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें इसकी, आप देखें बुक के अंदर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, तो आप इसकी प्रॉपर्टी का बढ़िया से प्रैक्टिस करें घर पे। अब रही बात फिजिक्स की, कि फिजिक्स में इसका कैसे यूज़ होगा, तो फिजिक्स में कैसे यूज होगा वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के जरिए कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि किसी पार्टिकल का द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 5t³ प्लस 2t² प्लस 4t मीटर में इन मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट को किसका फंक्शन बना दिया टाइम टी का, हम ना हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है कैसे चेंज हो रहा है इस टाइम के अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। देन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड या 2 सेकेंड कर लो, यानी 2 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी होगी उसकी और कितना एक्सेलरेशन होगा, पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, ऐसा नहीं कह रहा कि 2 सेकेंड के अंदर कितनी होगी, वो कह रहा दूसरा जब सेकेंड आएगा उस पर कितनी होगी, दोनों में अंतर है। मैं बोलूँ 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कितनी होगी, तो इसका मतलब हो गया 1 से लेकर 2 सेकेंड जितना वो चला उन 2 सेकेंड में उसकी कितनी स्पीड रही होगी या कितनी वेलोसिटी रही होगी, लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है सेकेंड पे मतलब जो 2 सेकेंड है टी बराबर 2 सेकेंड जब हुआ होगा उस समय उसकी कितनी वेलोसिटी थी और उस समय कितनी उसकी एक्सेलरेशन था वो बताइए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात ये कर रहा है। तो हमको कैसे करना है इसको, गिवन है हमारे को, देखो हर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो उस क्वेश्चन में ही छुपा होता है, हमारे को एक्स दे रखा था, फंक्शन दे रखा था किसका टी का, एक्स किसका फंक्शन था टी का, अब यहाँ कहीं पे वाई नहीं है, यहाँ पे फंक्शन कौन है एक्स है, जबकि इतनी देर से हम फंक्शन किसको ले रहे थे वाई को, किसका ले रहे थे एक्स का, यहाँ पे एक्स है फंक्शन किसका टाइम का, तो अंतर हो गया ना। देखो किसी भी फंक्शन को किसी भी फॉर्म में लिखो, करना डिफरेंशिएशन ही है। अब जैसे x t की फॉर्म में है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो वहाँ y x की फॉर्म में था तो आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, और जो ऑपरेटर था वो लगाया था d बाई डी एक्स, बट यहाँ पर ऑपरेटर अब क्या काम करेगा d बाई डी टी, तो 2t² + 4t,
तो वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी यदि इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं आप, पर्टिकुलर किसी सेकंड पे निकालना चाह रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इसकी पूरी स्पेलिंग आप लिख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी बराबर क्या होता है, डीवी डीएक्स अपॉन डीटी होता है। ये फॉर्मूला क्या है कि किसी पर्टिकुलर सेकंड पर कितना डिस्प्लेसमेंट वो चली, कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया, वो उसकी स्पीड को या वेलोसिटी को बताएगा उस पर्टिकुलर सेकंड पे। तो v बराबर dx बाई dt है। x क्या है आप लिख दीजिए यहाँ पे, तो x की वैल्यू आपके सामने आ गई 5t³ + 2t² + 4t। फिर ध्यान से देखो, मैंने ऑपरेटर लगा दिया है x पे d बाई dt, टाइम का ऑपरेटर मैंने ऑपरेट किया x डिस्प्लेसमेंट पे, ताकि मैं यहाँ पर क्या निकाल सकूँ, वेलोसिटी निकाल सकूँ, किसकी फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। और जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा उस टाइम में मैं t बराबर 2 सेकंड रख कर उस पर्टिकुलर 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी रही होगी वो निकाल लूंगा। तो देखो अब फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर काम करनी है, ऑपरेटर आपने d बाई dt लगा दिया है, सब पे ऑपरेट होगा, सारे फंक्शन देखो कैसे एलजेब्रिक फंक्शन है, 5t³ 2t² 4t सब एलजेब्रिक बीजगणितीय फंक्शन है। इन फंक्शंस पे डी बाई डी टी अलग अलग तरीके से ऑपरेट करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव, तो देखो एडिटिव सम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डी बाई डी टी सबसे पहले ऑपरेट किस पे करेगा, 5t³ पे, फिर डी बाई डी टी किस पे ऑपरेट करेगा, 2t² पे, फिर डी बाई डी टी किस पे ऑपरेट करेगा, 4t पे, इस पे ऑपरेट करेगा 4t। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखें, तो 5t³ 5 कांस्टेंट है, 12 आ जाएगा, और t³ फॉर्मूला क्या था, x^n फॉर्मूला भूल गए, d/dx x^n बराबर क्या होता है, n(x^n-1) हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, d/dt t³ x की जगह t है, और t³ यानी 3 × t³ - 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 × t³ - 1, तो हमारे पास आ गया 5 × 3, t³ का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3 बार आ गया 3 - 1 प्लस, अब किसका करना है, 2t² का 2 कांस्टेंट है, बार आ जाएगा डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी किस पर ऑपरेट करेगा, ओनली t² पे, और t² का कितना होता है, 2t होता है, पहले ही करवा चुका हूँ, 2x, x² का कितना होता है 2x, तो t² का कितना होगा 2t, नहीं तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो आ जाएगा, x की जगह किसको रिप्लेस करना है, टाइम को, 4 बार आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, ओनली t का, dt/dt क्या होगा 1, जैसे dx/dx 1 होता है वैसे dt/dt भी क्या होगा 1, फॉर्मूला कौन सा काम कर रहा है, यही वाला, t³ क्या करना है 1 करना है, हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 5 × 3 = 15, t³ - 1 यानी क्या आ गया, t² प्लस 2² = 4, ये टी प्लस 4, ये वेलोसिटी आएगी 15t² + 4t + 4। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन तो मिटा देते हैं अपन, और देखो आगे क्या, वेलोसिटी t बराबर 2 सेकंड पे कितनी थी, ये वेलोसिटी जो आई है ये v बराबर कितने पे, t बराबर 2 सेकंड पे कितनी हो सकती है, तो यहाँ पूरे इक्वेशन में t की जगह क्या पुट करना है, 2 सेकंड, तो 15t² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4t यानी 2 + 4, 15 × 4 + 4 = 8 + 4, 15 × 4 = 60, 60 + 8 + 4 कितना हो जाएगा 60, 72, यानी 72 मीटर पर सेकंड स्पीड रही होगी उसकी t बराबर 2 सेकंड पे। इज दैट क्लियर, v बराबर t बराबर इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना आया, 72 मीटर पर सेकंड आ गया। अब चलो आगे हमको और क्या निकालना, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अब कैसे निकालेंगे, देखो वेलोसिटी निकालना आ गया, यानी जो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा था उसका एक टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, यानी v बराबर dx/dt करने पर, मतलब x का d/dt करने पर आपको क्या मिला था v, अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dv/dt, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और पर्टिकुलर सेकंड पे निकालनी, इसलिए क्या करना पड़ेगा, dv/dt इंस्टेंटेनियस ही लगाना पड़ेगा। तो अब आपके पास में v की वैल्यू तो है, रख दो d/dt, v की वैल्यू यहाँ लिखी हुई थी, कितनी थी, 15t²
प्लस फोर टी प्लस फोर। अब आप ये मत लिख देना बेहतर। अरे भाई 72 आपने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, 72 का डिफरेंशिएशन, और 72 तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन तो, बट जीरो नहीं आएगा आंसर। ये वैल्यू नहीं लिखनी आपको, ये वैल्यू तो क्या है, टी की वैल्यू पुट करने के बाद आई है। टी की वैल्यू पुट करने से पहले जो वैल्यू यहाँ पे थी वी बराबर 15t² + 4t + 4, इसको ही यहाँ रखना है, वापस से डिफरेंशिएशन करना है किसका, इस वेलोसिटी का, ताकि आपको क्या मिल सके, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं, ए से। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बारे में डिटेल में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये इसका यूज क्या है डायरेक्ट मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिजिक्स के अंदर। 15 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, प्लस है तो प्लस, 4 बाहर आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब ये क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट चल रहा है कैसे, 15 सबसे पहले अलग अलग के साथ लिखो, d/dt 15t² प्लस d/dt 4t प्लस d/dt 4, फिर 15 को बाहर निकालो, टी स्क्वायर का करो 2t आएगा, फिर 4 को बाहर निकालो, टी का करो dt/dt 1 आएगा, प्लस 4 को बाहर निकालो कुछ नहीं बचा तो 0 आएगा, क्योंकि पता है ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो डायरेक्ट क्या कर दूँ, 4 कांस्टेंट था तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 0। अरे पहले भी बताया d/dt 4 का क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं बच रहा है ना यहाँ पे, कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 का मतलब क्या है, ये x की घात या t की पावर 0 है, बताया था भगवान होता है एक, कुछ नहीं होता तो उसका भगवान होता है, एक की जगह ये लिख सकते हो, और इस पावर को आप जैसे ही खोलोगे डिफरेंशिएशन तो 0 × t^0 - 1 आएगा, और 0 × कुछ भी हो 0 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट ही समझ लो कि 4 का क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 15 × 30t + 4, और आगे तो 0 हो गया, तो हमारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कितनी, 30t + 4। अब एक्सेलरेशन कितने सेकंड पे चाहिए, टी बराबर 2 सेकंड पे ही चाहिए, तो टी की जगह पुट करें तो 30 × 2 + 4, देखो आप 2 सेकंड रख दो टी की जगह, तो 60 + 4 = 64 m/s² ये इसकी यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड, तो 64 m/s² एक्सेलरेशन रहा होगा उस बॉडी का, उस पार्टिकल का, जब टी बराबर 2 सेकंड टाइम रहा होगा। तो इस तरीके से अपन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट से उसकी वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो और भी काफ़ी सारे यूज है डिफरेंशिएशन के हमारे फिजिक्स के अंदर। तो ये था आपके सामने डिफरेंशिएशन का एक शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत छोटी चीज़ नहीं है। मैथमेटिक में 12th क्लास में डिफरेंशिएशन पूरी एक बुक होती है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, जिसको हमने सिर्फ एक लेक्चर में समझने की कोशिश की है। अब बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, छोटी छोटी जो बारीक चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है कि इस पे ध्यान दो, तो उसको ध्यान से देख के उसको समझे और उसको अपने जहन में लगाए। जैसे ऑपरेटर को कैसे लिखना है, आप dx/dt लिखने के बाद x की जो भी वैल्यू उसको यहाँ पुट करें, उसके बाद एक एक को अलग अलग लिखें, फिर जो भी फंक्शन है एलजेब्रिक है तो एलजेब्रिक का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल, उनको उनके हिसाब से जो फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से यहाँ पुट करें, डिफरेंशिएशन करें, और लास्ट में यदि वो किसी टाइम पे या ऐसे कुछ दे रहा है तो उसकी वैल्यू भी पुट करके आंसर को निकालने की कोशिश करें। तो इस तरीके से हम करेंगे डिफरेंशिएशन को। ये आपके टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ये मैथमेटिकल फिजिक्स का लास्ट टॉपिक होगा। मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट होते ही हम सब चैप्टर नंबर 2 डायमेंशंस को स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत जल्दी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।